अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो? आज मैं आया हूँ दरबारे शहीदा मंगोवाल गरबी में। क्या करने आया हूँ? नहाने आया हूँ। क्यों आया हूँ? घर पर थी ठंडा पानी, घर पर ठंडा पानी थी और मोटर नहीं चल सकती थी, क्यों? बिजली बंद थी, तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे हम? ताज़ा पानी जनरेट करेंगे इस किसकी मदद से? आहिस्ता चला गए इसको, ठीक है? इसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा अभी, ये कुआँ है, ठीक है? इसको भी दिखा दो, अगर मोबाइल ना अंदर चला गया तो। ये है जी कुआँ, नज़र नहीं आएगा शायद, ये है, ठीक है? तो ये है गुसलखाना, पढ़ा भी देते हैं आपको, ठीक है? ये गुसलखाना, इसके अंदर हम नहाएंगे। यहाँ पर पानी जमा होएगा इन डब्बों की मदद से, इसमें आएगा पानी और फिर यहाँ पे इस नाली के ज़रिए टैंकी में जाएगा गुसलखाने की, और उसके ज़रिए हम नहाएंगे। ये पीछे दरबार बने हुए हैं, मज़ारात, ठीक है जी, कब्रिस्तान भी है, यहाँ पर कब्रें भी हैं मुख्तलिफ लोगों की, और पीछे दरख्त भी आप देख सकते हैं। यार नहाना है, ऐसा सोचा यूट्यूब चैनल पे वीडियो ही अपलोड कर दिए। ये है सेदे का दरख्त, वो पीछे है वाशरूम है, ठीक है? तो चलें अब शुरू करते हैं गेड़ना। वीडियो तो किसी ने बनानी नहीं, अकेला ही आया हूँ गेड़ने की वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुद ही गेड़ने की वीडियो बनाते हैं, ऐसे गेड़ते हैं, ठीक है? जोर लगाएं और पानी वहाँ पर जाएगा, ठीक है? और फिर जनाब ऐसे होता है सारा काम, ऐसे हो गया। अब थोड़ा जोर से, मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी वीडियो बन गई, अभी तकरीबन 2 मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट से ही ऊपर हो जाए। अल्लाह हाफिज़। आ चुके हैं ये अंदर से, ये इसको नज़र आ रहा है पता नहीं, ये इसको खोलते हैं और ऐसे पानी आता है, ठीक है? ऐसे बैठ के बंदा आराम से नहाता है। अभी चलते हैं वापस घर, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। चलते हैं, ऐसे चलते हैं यार, साथ ही कंटिन्यू करें। तो लिया इधर रखा कपड़े पकड़े जो साथ लाए थे, पहन के आए थे, और लें जी बाहर आ गए गुसलाने से। लास्ट पे फिर से मैं आपको दिखा दूँ, ये है दरबारे शहीदा मंगोवाल गरबी, वो वाशरूम है, ये मज़ार वगैरह हैं, उसमें कब्रें भी मौजूद हैं, और बस ये है कुआं, और ये गुसलाना भी है, उसके साथ ये दरख्त भी हैं। ठीक हो गया, बस कलम होगी मुहतार रिया।